है ना। हाँ वहाँ से देखो क्लियर दिख रहा है अभी। आओ जल्दी ब्रेकफास्ट करते। क्या कुछ है? तो ये कुछ खाने के आइटम ब्रेकफास्ट के अभी खाते हैं और फिर निकलते हैं। हे गाइस, अभी हम लोग पहुंच चुके थे मोस्ट पॉपुलर एंड द बेस्ट बीच इन उदुपी। और एक्चुअली बीच स्टार्ट हो चुका है यहाँ से, तो बीच जो है वो स्टार्ट हो करते हैं। चलो भाई, चलो भाई। ओहो, आ रहा है भाई, ये तो ऐसे यहाँ पे आ रहा है। वाह, गांधी जी की स्टेचू से जो कि यहाँ पे है। और इवनिंग के टाइम पे यहाँ पे जो टूरिस्ट है वो ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और आप देख सकते हो कि भीड़ भाड़ भी अच्छी खासी है यहाँ पे, चारों तरफ का व्यू कुछ अच्छा है। तो अभी चलते हैं, देखते क्या क्या है यहाँ पे। और इसके अलावा तो एक छोटा सा पार्क बना रखा है यहाँ पे एंट्री पे, और ये यहाँ पे छोटी छोटी मार्केट है ऐसी, इस तरीके से मार्केट है। फिश की है, ग्रोसरी की, काफ़ी सारी दुकानें हैं यहाँ पे और भी। तो एक अच्छी सी मार्केट है यहाँ पे एंट्री पे ही, इस जो बीच है ये मैपल बीच। और ये सबसे अच्छा लगा मुझे यहाँ पे बीच, दिस इज़ द बेस्ट वन दैट आई कैन सी। तो अभी देखते अंदर चल के और भी क्या क्या है। अभी घुसते रेत में, हाँ रेत में एंट्री करते हैं, फिर वो देखो वहाँ पे कैमल नहीं रियल है। हाँ कैमल भी है यहाँ पे, चलो कैमल की राइड करते आओ। यहाँ पे क्रिकेट भी खेलता है, क्रिकेट की प्रैक्टिस भी होती है। और ये क्या है, पैंट बॉल शूट भी है। यूट्यूबर फ्रेंड ऑफ माइंड फ्रेंड, क्या नाम बताया आपने? शरद। शरद जो कि मुझे यहाँ पे मिले बीच पे, और अच्छा लगा इनसे मिलके। तो आई विल डेफिनेटली सी हिम इन माय नेक्स्ट वीडियो। एटीवी बाइक, और कितना प्राइस है इसका चलाने का? 100 रुपीज़ है सर पर पर्सन, 100 रुपीज़ पर पर्सन। कितना टाइम के लिए? एक चक्कर सर, वो लास्ट तक जाके यूटर करके आने का, एक चक्कर लगा के आने का। तो ठीक है, हम एक चक्कर लगवाना है आप। और अभी मैं और माजू ये बाइक की राइड करने वाले, देखते कैसी लगती है। एक चीज़ जो मुझे यहाँ पे अच्छी लगी है, ये लाइफ गार्ड। तो अगर किसी को कोई स्विमिंग के टाइम पे कोई प्रॉब्लम आती है तो वो यहाँ पे जाकर रिपोर्ट कर सकता है, फिर इनकी हेल्प भी ले सकता है। तो यहाँ पे ये जो टावर है ये सेफ गार्ड का है बेसिकली, जो कि हेल्प करते हैं जो यहाँ पे टूरिस्ट आते हैं उनकी। सामने सेंट मेरी के नाम से आइसलैंड है, तो उसकी टिकट भी यहाँ पर मिल जाती है। सेंट मेरी आइलैंड, आइसलैंड जो है उसकी टिकट विकट यहाँ से मिल जाती है। बाकी उसके अलावा अगर हम लोग आगे जाएंगे, जहाँ पे वो वियर हाउस दिख रहा है बड़ा सा, वो जो वियर हाउस दिख रहा है बड़ा सा जहाँ पे, ये इसके पास में मिल जाती है। तो वहाँ पे दो चीज़ें, एक तो ये सी वॉक है वहाँ पे, और दूसरा वहाँ पे बोटिंग सेंटर है। तो वहाँ से भी बोट मिल जाती है उसके लिए, इस आइलैंड पे जाने के लिए, और यहाँ से भी बोट मिल जाती है जाने के लिए। तो दोनों ही सर्विस है, दोनों ही बोटिंग सेंटर है, कहीं से भी उसके लिए बोट ले सकते हैं। और यहाँ पे चॉइस बहुत है बच्चों के लिए। इस साइड में जितने भी है सबके सब रेस्टोरेंट एंड बार्स है। तो यहाँ से ये रात भर, रात के 9-10 बजे तक खुले रहते हैं, तो यहाँ से भी सर्विस ले सकते हैं खाने पीने की। और ये जितनी भी मतलब रिफ्रेशमेंट की सर्विसेज है वो यहाँ से मिल जाती है। और उस साइड में एक्चुअली ये अपना होटल है यहाँ पे, जहाँ पे हम लोगों ने स्टे किया है, होटल पैराडाइज के नाम से, बिल्कुल पास में सामने एकदम। तो नज़दीक होने का फ़ायदा है कि बीच में हम लोग कभी भी आ सकते हैं, सिर्फ बीच में एक रोड है बस, हल्की फुल्की एक रोड है, तो कोई ऐसा टेंशन वाली बात नहीं। नज़दीक लेने का ये फ़ायदा है कि कभी भी आ सकते हैं यहाँ पे बीच। तो बीच पे भी तो खूब भीड़ है, शाम का टाइम है और सब पब्लिक बिजी है एंजॉय करने में, मस्ती करने में, तफरी करने में। और हम लोग भी यहाँ पे तफरी करने आ गए, और अभी कुछ देखते चल के माजू क्या कर रहा है। सनसेट का भी टाइम हो रहा है अभी। वाओ मिस्टर जॉर्ज, व्हाट आर यू डूइंग? वो क्या है? बलून का एक सिलेंड्रिकल कुछ है। हाँ हाँ, बलून वाला भी होता है, ये बलून
ये ना ये वाटर स्पोर्ट है यहाँ पे काफी सारे। अच्छा और उसके अंदर भी तो आदमी है ना। तो प्लेंटी ऑफ वाटर स्पोर्ट भी है यहाँ पे वाटर फन करने के लिए। तेरे माजू अपनी फॉर्म में मस्ती करता हुआ, क्योंकि माजू को यहाँ पे आके ये सब चीज़ें करना बहुत पसंद है। ये देखो फुल फॉर्म में सबसे अच्छा लगता है बीच पे आके से मौज मस्ती करना पानी में। तो ये भी यहाँ पे वाटर स्पोर्ट ही है, ऐसे ही लोग फिश के लेके जाते हैं ड्रैग करके पानी के अंदर, बहुत बड़ा सा पूल है। सनसेट हो चुका है बट यहाँ पे भी अच्छी खासी भीड़ है, तो पब्लिक अब भी अपने वाटर स्पोर्ट या फिर वाटर फन में बिजी है। और हम लोग भी यहीं पे एक वाटर फन करते हुए हम लोग भी यहाँ पे और अच्छा टाइम पास करते हुए। और अच्छी बात यह है यहाँ पे कि मौसम शाम के टाइम बहुत अच्छा हो जाता है। दिन में तो दोपहर में तो गर्मी थी बट अभी गर्मी नहीं है, तो अभी ठीक ठाक है, नॉर्मल है, तो अच्छा लग रहा है यहाँ पे। और माजू किनारे पे मजे कर रहा है, मैंने बोला अंदर चल, अंदर नहीं आएगा। लेकिन इंटरेस्टिंग, ब्यूटीफुल, बहुत अच्छा बीच है, बेस्ट है। अभी पानी के मजे लेते हुए मिस्टर जॉर्ज, what are you doing? I'm sitting in water. Okay, very good. My leg is gone. मैं फुल मूड में अभी। तो अभी चलते हैं रेस्टोरेंट के साइड में और कुछ खाते हैं, क्योंकि शाम का टाइम हो चुका है और मुझे भूख भी लग रही है। तो देखते चल के यहाँ पे क्या मिलता है आसपास। और शाम के टाइम बच्चे यहाँ पे काइट फ्लाइंग करते हुए, मेपल बीच की बात ही अलग है। हाँ मैच खाता है, बहुत ही सिमिलर कह सकते हैं इसे, जैसा गोवा में कैलिंगुड या फिर बागा बीच है। तो जैसे वो वहाँ पे वर्ल्ड पॉपुलर और बेस्ट बीच है गोवा के, तो यहाँ का ये बहुत अच्छा बीच है, वन ऑफ द बेस्ट। यहीं पे ये बीच के पास में ये बार रेस्टोरेंट और फूड सर्विसेज भी है, और आगे चल के वहाँ पे कॉटेज भी मिल जाती है रेस्टोरेंट भी स्टे करने के लिए। तो काफ़ी सारी सर्विसेज मिल जाती है यहाँ पे इसकी, और वो बेसिकली आइसलैंड जहाँ पे हम लोग जाते हैं, यहाँ से बोट लेके यहाँ से बोटिंग सर्विस मिल जाती है उसकी, और फिर जा सकते हैं या फिर वहाँ बोट सेंटर से भी जा सकते हैं जहाँ पे सी वॉक है। टॉयलेट बाथरूम भी यहीं पे है, अगर किसी को रिक्वायरमेंट है तो यहीं पे पास में ही है। तो टाइमिंग हो चुका है अभी अराउंड 6:30, और अभी करते हैं अपना डिनर क्योंकि आज भूख लग रही है मुझे भी, और थोड़ा जल्दी खाना है। और फूड अपना आ चुका है और खाना शुरू स्टार्ट करते हैं। तो कोस्टल एरिया में आके फिश ट्राई करना तो मैंडेटरी, और अभी डिनर करते हैं फिर चलते हैं यहाँ से। तो अभी अपना डिनर हो चुका है, और डिनर होने के बाद में थोड़ी नाइट हो चुकी है, एक्चुअली अंधेरा हो चुका है। तो अभी बीच का जो नज़ारा है बिल्कुल बदल गया, अभी जो चारों तरफ है वो यहाँ पे लाइट दिखने स्टार्ट हो गए, और कुछ इस तरीके से ये हो गया, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग और अच्छा लग रहा है अभी। माजू ने भी ले लिया एक। व्हाट इज दिस मिस्टर जॉर्ज? ओ वाह, वेरी गुड। अब नाइट हो चुकी है और पानी की जो सिचुएशन है कुछ ऐसी बन रही है अभी नाइट में। हाँ अब कोई नहीं नहा रहा, सब अपने घर जा चुके हैं, और हम भी चलते हैं मार्केट से होके घर की साइड में। यस दोनों नाइट में नहीं, इधर आओ, अब नाइट में नहीं नहाते, दिन में नहाते बस। माजू को भी नहाना है, कम दिस साइड। ये है बीच की मार्केट, बच्चों के टॉयज, टैटूज, मल्टीपल सर्विसेज, खाने पीने के आइटम,
और ये गांधी जी चौक जो कि मैंने दिखाया था वीडियो के स्टार्टिंग में। एक होटल यहाँ पे है मेपल के नाम से, ये भी ठीक ठाक है। और फाइनली हम लोग मेपल बीच अपने होटल आ गए इवनिंग में, अभी 7:30-8 बज चुके हैं। एंट्री लेते हैं होटल में और फिर चलते हैं रूम में, क्योंकि एंट्री ऐसी है, क्योंकि एंट्री ऐसी है। अपने होटल में नहीं, अभी यहीं पे रख दो और बेड से बिल्कुल दूर रहना। लाइट ऑन। और फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं अपने रूम में और अब टाइम है रेस्ट करने का। सो गाइस आज का व्लॉग करते हैं यहीं पे ख़त्म। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड एंजॉय योर टाइम एंड हैव ए गुड डे।